हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनुराधा सिंह और आज का होने वाला है व्लॉग। आज मैं फाइनल डोज लेने वाली हूँ, जिसे बोलते हैं बूस्टर डोज या आप कह लो प्रिकॉशनरी डोज, जो भी आपकी मर्जी है। दोनों कहते हैं बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज। मतलब मेरा आज थर्ड वैक्सीनेशन है, सो फाइनली अभी फिलहाल तो ये फाइनल डोज है, तो मैं फाइनल डोज लेने वाली हूँ। और ये फाइनल डोज ले सकते हैं आप आफ्टर 9 मंथ्स। अगर आपने दूसरा वाला वैक्सीनेशन 9 महीने पहले ले रखा है तो आप ये आराम से ले सकते हो। सो सेकेंड वैक्सीनेशन को मेरे को 9 मंथ्स हो गए हैं, तो मैं आज फाइनली जा रही हूँ वैक्सीनेशन के लिए। और आज का दिन कैसा होने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी फिलहाल तो पूरा दिन तो नहीं शेयर कर सकती, लेकिन जितना मैं बना सकती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फिलहाल तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कुछ ज़रूरतमंद लोग को खाना खिलाते हैं। अभी फिलहाल वो सबकी तैयारी होगी। तो आज का मेन्यू है छोले और चावल हम बनाने वाले हैं, वो बनाएंगे। उसके बाद आज शाम में फिर बना करके हम पैक वैक करके फिर रात में हम लोग रात में ही जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो हम वहाँ पर बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, तो हम उन्हें खाना खिलाते हैं। अगर आप लोग भी अफोर्ड कर सकते हो कि आप अपना मतलब खर्च पूरा हो जाना चाहिए, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो आप कुछ पैसे बचा करके कुछ ज़रूरतमंद लोग को खिला सकते हैं। उससे क्या होगा ना कि मतलब ऐसे अगर सबको ही खिलाना स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत कम लोग भूखे होंगे जो भूखे सोएंगे। पता है हम लास्ट टाइम जब गए थे खिलाने के लिए, वो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, इतने ज़्यादा खुश, मतलब उनकी खुशी देख करके दिल को ना बहुत ही तसल्ली मिलती है। आप भी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, और हमने हालांकि ये 2020 में ही स्टार्ट किया था, बट 2021 में हम नोएडा शिफ्ट हो गए सोसाइटी में रहने लगे, तो इतना नहीं हो पाया, और अब हमने स्टार्ट किया है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं प्रिकॉशनरी डोज के लिए, और ये मेरा थर्ड वैक्सीन होगा, और उसके बाद कोई वैक्सीन नहीं लगना है, ये फाइनल वैक्सीन है फिलहाल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल पास ही जा रहे हैं, और बिल्कुल 4-5 मिनट का रास्ता है, तो हम लोग गाड़ी से ही जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फाइनली मैं अब लास्ट डोज लेने वाली हूँ, तो चलिए। अगर आपको भी 9 मंथ्स हो गए हैं 2 डोज लिए हुए, तो आप ये थर्ड वाला डोज ले सकते हो, बिकॉज वैक्सीन ही है जो आपको बचा सकता है, और न्यू वेरिएंट जो है वो कभी भी आ सकता है। और अभी भी केस स्टार्ट हो गए दिल्ली में, 500-400 केस हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल कम हो गया था लेकिन अभी अचानक हो गया। तो कोविड का तो मैं भरोसा नहीं कर सकती, बिकॉज कभी भी अचानक से बहुत ज़्यादा केसेस आने लगते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ले ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं 2 डोज के, तो अभी फाइनली मैं ले रही हूँ तीसरा वाला डोज। गाइस हम पहुंच गए वैक्सीनेशन सेंटर के पास, बस हम बाहर खड़े हैं, तो अब मैं जा रही हूँ अंदर एंटर करने के लिए। कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग नाउ। अब तो आदत सी है ऐसे जीने। सही है, सही है।
सो गाइज, ये बूस्टर डोज मेरा लग गया और वैसे तो मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। अब दो वैक्सीन जो ले चुका उसको तीसरे में क्या पता लगेगा, तो अभी तो फिलहाल कुछ भी वैसा लग नहीं रहा है। और मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफ़ी दूर था और इतनी गर्मी है, इससे अच्छा कि मैंने सोचा कि प्राइवेट में ही ले लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगा, 387 रुपीज़ है, 200 समथिंग गवर्नमेंट का कॉस्ट है और जो बाकी प्राइवेट वाला लेते हैं, सो टोटल मिलाकर 387 रुपीज़ लगा मेरा, तो ठीक है। अब अपने रूम जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, तो चलिए घर चलते हैं। ही हा 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 हा, कोरोना मेरा क्या बिगाड़ेगा, बताओ बताओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, चैलेंज नहीं कर सकती कोरोना को भाई, कोरोना बहुत खतरनाक है। पिछले साल हमने ये देख लिया कि कोरोना कितना ज्यादा खतरनाक है, तो कोरोना को कोई चैलेंज नहीं। बाबा वापस लेती हूँ मैं अपना चैलेंज, सॉरी कोरोना भाई, सॉरी। देखो वैक्सीन ही है ना जो थर्ड वेव इंडिया में ऐसा पता नहीं चला, इसलिए सबको वैक्सीन लेना चाहिए। हाँ, अभी स्टार्ट हुआ था, हालांकि बहुत ज्यादा केस स्टार्ट हो गया था, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने मतलब वैक्सीनेशन ले रखा है, तो इस वजह से इतनी प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई। इस वजह से वैक्सीन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टार्ट तो अभी भी हुआ था, थर्ड वेव स्टार्ट तो हुआ ही था लेकिन फिर थम गया क्योंकि फैल नहीं पाया इतना ज्यादा, और फैला भी तो लोगों को पता नहीं लगा। जैसे फीवर होता है हमें, ऐसे फीवर खांसी सर्दी होता है, वैसे हुआ और फिर ठीक हो गए। तो इस वजह से वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, जो अभी तक जिन्होंने वैक्सीन नहीं ले रखा है, और मेरे जान पहचान में है जिन्होंने वैक्सीन एक भी नहीं ले रखा है, तो प्लीज दौड़िए और वैक्सीन लीजिए। सो ये जो खाना है वो तैयार हो गया है, ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत हो है खाने की, तो उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और विशाल ने छोले बनाए, बहुत ही टेस्टी छोले बनाया है, और ये सारा पैक अभी करना है, उधर थोड़ा सा पैक करके रखा है और बाकी इन सबको अभी पैक करूँगी। और पैक करने के बाद हम लोग मंदिर जाएंगे, और आज हनुमान जयंती है, सो हनुमान मंदिर और शनि मंदिर हम जाते हैं। तो अभी आज सैटरडे भी है तो शनि मंदिर भी जाएंगे, पहले सारा पैक कर लें। और गाइस, हम लोग वीडियो के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि आप भी अगर कर सकते हैं तो आप प्लीज़ कीजिए, क्योंकि हम भी मोटिवेट हुए हैं दूसरों की वीडियो को देख करके। जब कोविड के टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, और क्योंकि अचानक से लॉकडाउन लग गया, और बहुत लोग जिनका मतलब डेली का मजदूरी जो करते हैं उनको खाना मिलता नहीं था, तो हमने तब स्टार्ट किया था दूसरों के वीडियो को देख करके, हमने भी सोचा हमें करना चाहिए, तो आप भी ये कर सकते हैं। देखो फट तो नहीं जाएगा, बहुत भारी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर कितने सारे ज़रूरतमंद लोग हैं, और मोस्टली मंदिर वगैरह के बाहर रहते हैं, कोई भी धार्मिक प्लेस रहता है उसके बाहर बहुत ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जा कर के ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हमने सोचा कि मंदिर के बाहर बहुत लोग बैठते हैं तो हम वहीं चलते हैं, और पास में ही मंदिर भी है। तो अभी हम लोग ये मंदिर आए हुए हैं, शनि मंदिर और हनुमान मंदिर बगल में ही सारा मंदिर है, तो अभी यहाँ पर हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे।
सो गाइज, अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सब के साथ शेयर करें, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर से मिलूंगी गाइज मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, गुड नाइट।